Now some of the company, they are making same brand car in India. They are not up to the standard. But they are making same car with international standard for their foreign market. इस वीडियो को देखकर समझ में आता है कि देर से ही सही, लेकिन हमारी सरकार को रियलाइज हुआ है कि फॉरेन ब्रांड्स इंडियंस को सब स्टैंडर्ड सेफ्टी वाली कार्स बेच रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पीछे भी जितने लोग होंगे उतनी एयरबैग होगी और लोगों की जान बचाएंगे। इसके बारे में ये प्रस्ताव विचाराधीन है, जल्दी सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास करेगी। अगर आप इस वीडियो को ढंग से नहीं सुन पाए तो मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी बता रहे हैं कि वो गाड़ियों में पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी एयरबैग्स मैंडेटरी करना चाहते हैं, ताकि कार में ट्रेवल करने वाले सभी लोगों को प्रॉपर सेफ्टी मिल सके। इंडिया में 2018 में लगभग 1.5 लाख लोगों ने एक्सीडेंट्स में जान गंवाई, जबकि इंडिया में पूरी दुनिया की सिर्फ 2% गाड़ियां ही मौजूद हैं। फिर भी इंडिया में दुनिया की 11% से भी ज्यादा एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और यूएन की स्टडी के मुताबिक इंडिया की इकोनॉमी को 3% तक का नुकसान होता है प्राइम एज ग्रुप्स एडल्ट्स के मारे जाने की वजह से इन एक्सीडेंट्स के अंदर। ये एक्सीडेंट्स कई वजहों से होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स के ना फॉलो होना, गाड़ियों को तेज चलाए जाना, इंडिया में टू व्हीलर्स की संख्या बहुत ज्यादा होना और इंडिया में खराब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वाली गाड़ियों को बेचा जाना। और यही वो वजह है जिसकी वजह से नितिन गडकरी जी कंसर्न हैं और उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया है कि हर गाड़ी में 6 एयरबैग्स होने चाहिए। ऐसा लगता है कि सरकार को कंपनीज की चालाकी तो समझ में आ गई है, लेकिन सॉल्यूशन वो शायद उतना सटीक नहीं है। अच्छा, ये वीडियो देखिए। ये है किया की कार एंस। ग्लोबल एनकैप ने इस गाड़ी को 3 स्टार्स दिए हैं, जबकि ये गाड़ी 6 एयरबैग्स के साथ आती है। और ये है टाटा की पंच। ग्लोबल एनकैप ने इसे 5 स्टार्स दिए हैं, जबकि ये कार सिर्फ 2 एयरबैग्स के साथ आती है। तो फिर गड़बड़ कहां पर है? कारेंस भले ही 6 एयरबैग्स के साथ आती हो, लेकिन ग्लोबल एनकैप ने कारेंस के स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बताया है। किया अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जो सब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वाले प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि ऐसे कुछ और भी ब्रांड्स हैं जो ऐसी गाड़ियां इंडियन मासेस को देते हैं, जबकि उनकी सेम कार्स थाईलैंड तक में बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। अब चाहे किसी भी मेक एंड मॉडल की कार हो, सर्विस तो सभी की करानी होती है। मेरी पुरानी कार की सर्विस भी ड्यू थी, इसीलिए मैंने गो मैकेनिक की 1 डे डिस्पैच सर्विस का यूज करते हुए उनके कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। सबसे पहला है गो मैकेनिक का स्पीड इंजन ऑयल, जो फुली सिंथेटिक है और ये एडवांस पोलर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये है गो मैकेनिक का स्मार्ट शिफ्ट प्रो गियर ऑयल, जिससे गियर शिफ्टिंग बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाती है और गियर्स की लाइफ काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। इसके अलावा ये है गो मैकेनिक का स्मार्ट कूल कूलेंट विद एंटी फ्रीज, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 115 डिग्री सेल्सियस है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट -15 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जो कि काफी कम है। और सबसे जरूरी चीज ये है गो मैकेनिक का .4 ब्रेक ऑयल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 245 डिग्री सेल्सियस तक है, जो कि काफी ज्यादा है। इन सबके अलावा मैंने गो मैकेनिक के एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर भी मंगाए हैं, और भी स्पेयर पार्ट्स गो मैकेनिक प्रोवाइड कराते हैं, जैसे वाइपर ब्लेड्स एंड हॉर्न वगैरह। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको गो मैकेनिक की स्पेयर ऐप पे मिल जाएंगे और उनकी वेबसाइट gomechanicspares.com पर भी ये मिल जाएंगे। साथ ही साथ इन्हें आप Amazon, Flipkart और नियरेस्ट गो मैकेनिक स्पेयर शॉप से भी खरीद सकते हैं। आप इन प्रोडक्ट्स को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो अभी लिंक पर क्लिक करो और घर बैठे बैठे स्पेयर पार्ट्स को ऑर्डर करो। इंडियन गवर्नमेंट का बिहेवियर कार्स की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर काफी ज्यादा ढीला रहा है, एटलीस्ट 2014 तक। इंडिया में किसी भी कार में कोई सेफ्टी नॉर्म्स मैंडेटरी नहीं थे, लाइक ABS एंड एयरबैग्स, जो कि बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी कार को बनाने के लिए, और उसे भी हमारी सरकार ने मैंडेटरी नहीं कर रखा था। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई जोर नहीं था। साथ ही साथ इंडिया में ग्लोबल एनकैप की एंट्री भी बहुत ही ज्यादा लेट हुई थी, जिसकी वजह से इंडिया में ऑलमोस्ट सारी कार कंपनीज ऐसी ही गाड़ियां बेच रही थी। लेकिन 2015 में नितिन गडकरी जी ने ये बोला कि इंडिया में भी यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वाली गाड़ियों को बेचा जाएगा, और कार मैन्युफैक्चरर्स को डेडलाइन दे दी उन्होंने, जिसके चलते मैन्युफैक्चरर्स को अपनी हर गाड़ी में 2 एयरबैग्स और ABS बेस मॉडल से ही देने पड़ते। लेकिन ये डेडलाइन स्ट्रेच हुई और कार मैन्युफैक्चरर्स ने पहले अपनी गाड़ियों में ABS देना चालू किया, फिर उन्होंने अपनी गाड़ियों में सिंगल एयरबैग्स दिए, और 2022 के स्टार्टिंग तक जितनी भी गाड़ियां इंडिया में अब बिक रही हैं, उन सभी के बेस मॉडल में हमारे को 2 एयरबैग्स और ABS देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट को लगता है कि 6 एयरबैग्स हर गाड़ी में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी तरीके से हम गाड़ी में अल्टीमेट सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसीलिए अक्टूबर 2022 से हमें हर गाड़ी के बेस मॉडल में भी 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाया करेंगे। 6 एयरबैग्स ऐड होने की वजह से कार की सेफ्टी में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों है। एक्स्ट्रा एयरबैग्स के साथ पहली दिक्कत ये है कि कार्स के बेस मॉडल्स के प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो ऑलरेडी हाई टैक्सेस की वजह से काफी ज्यादा है। गडकरी जी ने रिसेंटली बोला था कि एक एयरबैग की कॉस्ट लगभग 800 रुपए आती है, और इस बात से वो ये कहना चाहते थे कि काफी कम पैसों में ही कार कंपनीज लोगों को एक्स्ट्रा एयरबैग्स प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन वो ऐसा करती नहीं है।
लेकिन इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का ये कहना है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी प्रो रिच एंड एंटी पुअर है। IRF एक जिनेवा बेस्ड 74 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेफर, ग्रीनर एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मेथड्स को प्रमोट करते हैं, और उनका मानना यह है कि अगर कार्स में एयरबैग्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई तो एंट्री लेवल कार्स के प्राइसेस अपनी कीमत के 10% और बढ़ सकते हैं। IRF का कहना काफी हद तक ठीक है, क्योंकि एयरबैग्स को इंस्टॉल करना किसी एक्सेसरी को इंस्टॉल करने से काफी ज्यादा अलग होता है। इंडिया में आने वाली एंट्री लेवल कार्स जैसे वैगनर, ऑल्टो, सिलेरियो, क्विड और टाटा टियागो वगैरह इस तरीके से डिजाइन ही नहीं की गई हैं कि उनमें कर्टेन एयरबैग्स के लिए कोई स्पेस दिया गया हो, क्योंकि इन कार्स के किसी भी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स नहीं दिए जाते हैं। और अब जब कार मैन्युफैक्चरर्स को ऐसा करना होगा तो इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगी, क्योंकि एयरबैग्स बहुत ही ज्यादा स्टडी करने के बाद ही लगाए जाते हैं, और किसी भी कार में एयरबैग्स इंस्टॉल करने के लिए काफी ज्यादा R&D लगती है। और अब जब कार मैन्युफैक्चरर्स को ऐसा करना होगा तो इसमें काफी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगी, जिसका पैसा भी एंड कंज्यूमर से निकाला जाएगा। इन बढ़े हुए प्राइजेस की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होगा 2-व्हीलर राइडर्स को, क्योंकि इंडिया में होने वाले एक्सीडेंट्स में जो मौतें होती हैं उनमें 1/3 तो 2-व्हीलर राइडर्स होते हैं, और बढ़े हुए एंट्री लेवल कार्स के प्राइजेस उन्हें 4-व्हीलर से और भी ज्यादा दूर ले जाएंगे। बढ़े हुए प्राइजेस एक प्रॉब्लम है, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 6 एयरबैग्स होने के बाद भी अगर कार का स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है तो उसमें बैठे हुए ऑक्यूपेंट्स को काफ़ी ज़्यादा चोट आ सकती है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो के इंट्रो में दिखाया था, उसी तरीके से मारुति सुजुकी, हुंडई और रेनो जैसे कई मैन्युफैक्चरर्स के कार स्ट्रक्चर अनस्टेबल प्रूव हुए हैं। एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें एक्सीडेंट होने की सिचुएशन में इम्पैक्ट कार के कैबिन के अंदर भी आ जाए और ऑक्यूपेंट्स को घायल कर दे। किया कारेंस का स्ट्रक्चर ग्लोबल एनकैप ने अनस्टेबल बताया था, और बावजूद इसके कि इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं, इसे सिर्फ 3 स्टार्स मिल पाए थे। इसे हम ग्लोबल एनकैप की रिपोर्ट में से एक्सट्रैक्ट की गई इस इमेज से समझ सकते हैं। इसमें जहां रेड कलर डिनोट करता है बैड प्रोटेक्शन को, वहीं ग्रीन कलर डिनोट करता है गुड प्रोटेक्शन को। और किया कारेंस में बैठे ड्राइवर डमी को देख के समझ में आता है कि हेड और लेफ्ट लेग को छोड़कर डमी को ऑलमोस्ट हर जगह पर चोट आई है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लोबल एनकैप ने कार के बॉडी शेल को और फुटवेल को अनस्टेबल डिक्लेयर किया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर ऐसी गाड़ी की बात कर रहे हैं जिसका टॉप मॉडल 20 लाख से भी ऊपर चला जाता है। कैरेंस के डमी का कंपैरिजन अगर हम टाटा पंच से करें तो उसका डमी ऑलमोस्ट पूरा ग्रीन है, और यही वजह है कि उस गाड़ी को 5 स्टार्स मिले हैं क्रैश टेस्ट के अंदर। क्लियरली ग्लोबल एनकैप उन कार्स को हायर रेटिंग देते हैं जिन गाड़ियों का बॉडी शेल ज्यादा स्टेबल होता है, ना कि उनको जिनमें एयर बैग ज्यादा होते हैं। ऐसी कई कार्स इंडिया में बेची जाती हैं जिनके बॉडी शेल अनस्टेबल पाए गए हैं, फिर वो चाहे एक इकोनॉमी कार एस्प्रेसो हो या एक महंगी गाड़ी क्रेटा। और ऐसा नहीं है कि इन मैन्युफैक्चरर्स की कार्स पूरी दुनिया के हर क्रैश टेस्ट में खराब परफॉर्म करती है, बल्कि ये एक्सेप्शन तो सिर्फ इंडिया के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सबसे पहले हुंडई किया की बात कर लें तो उनकी इंडिया में मिलने वाली हर गाड़ी के कार प्लेटफॉर्म के नाम के पीछे आई लगा होता है जो डिनोट करता है इंडिया। जैसे ये हुंडई वेन्यू के प्लेटफॉर्म का इंटरनेशनल वेरियंट है जिसका कोड नेम है QX, वही इनके इंडिया वाले वर्जन का कोड नेम है QXI। किया सेल्टोस का इंटरनेशनल वर्जन है SP2 एंड इंडियन वर्जन है SP2i। ऐसे ही SU2i और HCI वगैरह भी हैं। इन सभी आई वाले वर्जन्स में हमें देखने को मिलता है कि इनमें हाई स्ट्रेंथ स्टील का काफ़ी कम यूज़ किया गया है, या इनके इंडिया वेरिएंट में HSS कहीं दिखाई ही नहीं देती है। और यही वजह है जिसकी वजह से इनकी गाड़ियां यूरो एनकैप में तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन इंडिया में उतना ही ज़्यादा खराब परफॉर्म करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो ब्रांड्स ऐसा करते हैं। मारुति सुजुकी की इंडिया में लॉन्च होने वाली ज़्यादातर कार्स हार्डटेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होती हैं, जो ज़्यादातर पुअर परफॉर्म करती हैं एनकैप क्रैश टेस्ट में। और जहां ग्लोबल एनकैप इन्हें फिर भी 2 से 3 स्टार दे देते हैं, वहीं लैटिन एनकैप में ये स्टार्स घटकर 0 रह जाते हैं। लेकिन जब यही कार्स यूरो एनकैप में टेस्ट की जाती हैं तो इन्हें 3 से 4 स्टार्स मिलते हैं, बावजूद इस बात के कि यूरो एनकैप के नॉर्म्स ग्लोबल एनकैप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और वो गाड़ियों का साइड इम्पैक्ट टेस्ट भी करते हैं। रेनो निसान के केस में भी यही देखने को मिला है कि उन्होंने अपने CMFB प्लेटफॉर्म को इंडिया में बंद कर दिया है, जिस पर उनकी काफी सारी इंटरनेशनल गाड़ियां बेस्ड थी, और अपने इन 3 प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने कंटिन्यू रखा, जिसमें सिर्फ CMF A+ के हाल ही ठीक है, बाकी दोनों प्लेटफॉर्म्स की कार्स के बॉडी शेल अनस्टेबल प्रूव हुए हैं। होंडा ने भी इंडिया के ऊपर फोकस करते हुए प्लेटफॉर्म तैयार किए थे, लेकिन देखने में ये आया कि उनकी कार्स ने ग्लोबल एनकैप में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। साथ ही साथ फोर्ड, फॉक्सवैगन और स्कोडा ने भी टाइम के साथ अपने आप को प्रूव किया है, और इंडियन ब्रांड्स पर तो शक ही नहीं किया जा सकता है सेफ्टी के मामले में। अब इन बातों से तो ये समझ में आ ही गया होगा कि कार्स के स्ट्रक्चर्स ऑक्यूपेंट की सेफ्टी के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इस रूल के इम्प्लीकेशन के बाद इंडिया अकेला ऐसा देश बन जाएगा जहाँ पर गाड़ी लॉन्च करने के लिए उसमें 6 एयरबैग्स का होना कंपलसरी होगा। इवन US एंड यूरोप में भी ऐसा कोई कानून नहीं है, और रीज़न यही है कि जब पैसिव सेफ्टी की बात आती है तो वो कार्स के स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा भरोसा करते हैं।
मैं नितिन गडकरी जी की इन कोशिशों को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया में मजबूत स्ट्रक्चर वाली गाड़ियों का होना 6 एयरबैग्स के होने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ट्रक्स को इलीगली चलाया जाता है, वो मैंडेट्स को भी फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी गाड़ी बहुत ही आसानी से उनके अंडर राइड कर सकती है और लोगों की जान जा सकती है, और इसका अकेला सॉल्यूशन है मजबूत स्ट्रक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत जाती है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपका क्या सोचना है इस बारे में। और जाते जाते नीचे दिए गए लिंक से गो मैकेनिक के स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर करें और अपनी गाड़ी की सर्विस जरूर करवाएं। थैंक यू।